नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के एक्सेलराई में संदिग्ध अवस्था में एक छात्र की मौत, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। आदित्यपुर आरआईटी में भाभी से छेड़खानी करने वाले को ग्रामीणों ने फेंका दुमानी पुल से, एमजीएम में चल रहा इलाज। चौका में टूसू मेले से बाइक चोरी करते तीन को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। और जमशेदपुर के पुराने कोर्ट मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलटा हाईवा, कोई हाथाहाथ नहीं। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में स्थित एक्सएलआरआई के द्वितीय वर्ष के छात्र शाश्वत दीक्षित की मौत से प्रशासन और एक्सएलआरआई प्रबंधन को सख्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि मौत की खबर मिलते ही सिटी एसपी एक्सएलआरआई पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे फॉरेंसिक टीम के साथ साथ स्पेशल फोर्स का भी गठन किया गया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। आपको बता दें, इंस्टीट्यूट प्रबंधन का कहना है कि गिरने से मौत हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है, जिसके कारण सिटी एसपी खुद ब खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर मृतक युवक के परिवार मुंबई में रहते हैं। सभी लोग मुंबई से जमशेदपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। परिवार के लोगों के आने के बाद पोस्टमार्टम की जाएगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वाकई मौत का कारण क्या है। अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि एक्सएलआरआई में एक लड़का, काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी उसकी और टीएमएच ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो उसी में हम लोग इसको अच्छे से जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आई है, हमारी टेक्निकल टीम भी आई है। पूरा थॉरन एनालिसिस किया जा रहा है, कैसे क्या घटना कैसे हुई। परिवार को सूचना मिल गई है, दे आर ऑन दी वे। वहीं जमशेदपुर से सटे आरआईटी थाना क्षेत्र में रामू मुर्मू को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। आक्रोशित गांव के लोगों ने आरोपी रामू मुर्मू को सोनारी दो मुहानी पुल से सीधे नदी में फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वहीं नदी में मछुआरे ने उसकी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदित्यपुर के इच्छापुर लाइन टोला का रहने वाला है और शराब के नशे में एक महिला जो उसकी भाभी है उससे छेड़खानी कर रहा था। इसके बाद परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और उसकी पिटाई करने लगे। इसी कड़ी में वो मौके से भागने लगा, लेकिन स्थानियों ने उसका पीछा किया और सोनारी पहुंचकर उसे पुल से नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। बयान के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पीरियड में लड़खड़ाते हुए कुछ नाम, अपना नाम रामू मुर्मू बता रहा है, पिताजी का नाम रोडू मुर्मू बता रहा है और पता उत्ता के बारे में बता रहा है। इच्छापुर लाइन टोला आरआईटी में साइड पड़ता है, पूछताछ बता रहा है। इसमें फेंकने वाला के नाम भी दे रहा है कि हमको दो आदमी फेंका है, रजत टुडू और दुखु टुडू। अभी कहाँ तक सत्य है इसका सत्यापन किया जा रहा है। हाँ, बोल रहा है कि भाभी के छेड़ने में, भाभी को हम छेड़ रहे थे उसी के कारण कुछ है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इतना शब्द बोल रहा है। इसमें जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं हम लोग, पता लगा रहा है स्पष्ट कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ चोट लगा हुआ है। मैडम अभी लोग सिस्टर लोग देख रहा है, दबा पड़ रहा है और आगे की कार्रवाई होगा और आगे विशेष रूप से बाद में। और सरायकला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत सालगीडी के ग्रामीणों की मदद से लगातार इस क्षेत्र में हो रही गाड़ी चोरी के मामले पर अंकुश लगाने में चांडिल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात को चौका थाना अंतर्गत दुबराजपुर में टूसू मेले से मोटरसाइकिल चोरी कर मैजिक पैसेंजर गाड़ी में लोड करते तीन युवकों को रंगे हाथ ग्रामीणों ने मेले से पकड़ा और गाड़ी सहित चोरों को सलगाडीहा गांव लाया गया और सुबह तक तीनों चोरों को गांव में बंधक बनाकर रखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसके अलावा जमशेदपुर से 5 से 6 की संख्या में मोटरसाइकिल चोर दुबराजपुर मेले में मैजिक से आए थे, जो फरार हो गए। बता दें कि पकड़े गए तीनों चोर चांडिल के स्थानीय युवक हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और तीनों चोरों को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही मोटरसाइकिल सहित मैजिक पैसेंजर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साले चोर, कनौसी में ले मादर चोर। चाबी दे दो गाड़ी। आपका गाड़ी कहाँ लगाया था? आप गाड़ी सुबह करीब 6 बजे हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि कारजोर गांव में एक टाटा मैजिक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है, संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। लोगों ने बताया कि समाप्त ही चोरी कर रखा है।
सूचना पर हम लोग गए, वहाँ गए तो छानबीन करने में पता लगा कि जो वहाँ एक स्प्लेंडर गाड़ी रखा हुआ है उसका नेम पीछे का नेम प्लेट बदला हुआ है, आगे का पोर्शन भी तोड़ तार किया गया है, मैंने गाड़ी का रूप बदल दिया गया है, उस पर शक हुआ। इसी क्रम में जो है सो तीन आदमी को हम लोग जो है सो पूछताछ के लिए सत्यापन के लिए लाए हैं, और स्प्लेंडर गाड़ी तो बिल्कुल नहीं लगता है कि चोरी का है, लेकिन मैजिक के गाड़ी के संबंध में हम लोग इस संबंध में जो है सो और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि गाड़ी किसका है, चोरी का है कि नहीं। साथ ही जमशेदपुर के साक्षी थाना के पुराने कोट मोड़ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि घटना शुक्रवार सुबह की है, जब बीच सड़क पर अचानक डिवाइडर से टकराने के कारण एक ट्रक पलट गया, जिससे काफी देर तक यहां सड़क जाम की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था और ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क के डिवाइडर पर जा चढ़ी। वैसे भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद यहां की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वाहनों की लंबी लंबी कतार यहां लग गई। घंटों लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मेन रोड से ट्रक को हटाया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक को थाने ले गई है और ट्रक चालक की तलाश कर रही है। द्वारा सूचना मिला कि एक डंपर नियंत्रण खो गया था, जो रेलिंग पर चढ़ गया था, और चढ़ जाने के बाद मैं ड्राइवर छोड़ के भाग गया। उसको गाड़ी ट्रेन से खींच के हम लोग साक्षी थाना देखा था, ये पुराना कोट मोड़ के अगल बगल नहीं ड्राइवर उसका स्टेयरिंग फेल हो गया। उसको आगे ले जा रहे हैं थाना पर, आगे की कार्रवाई जो होगा किया जाएगा, जाँच करने के बाद जैसा होगा उसका भी कार्रवाई। वहीं दूसरी ओर सरायकला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने हत्या, रंगदारी समेत कई मामलों के वांछित फरार कुख्यात अपराध कर्मी अफसर अली को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इस अपराधी पर हत्या, लूटपाट समेत आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। आरोपी विगत 4 साल से फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो इन दिनों आदित्यपुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे भीड़भाड़ वाले इलाके इमली चौक से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़ा गया अपराधी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी भी है। में 2014 से भी फरारी चला रहा था, जो हत्या और 307 और आम से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत केस था, इसमें फरारी है। आज सूचना मिली थी पुलिस को तो हम लोगों ने जाकर इसकी गिरफ्तारी की है। ऐसे भी और पुराने कुछ इसके कांड में उसके पहले के भी रहे, जिस कांडों में भी इनके विरुद्ध कई केसों में वारंट निकल चुका था, उनका वांछित आज इनको गिरफ्तारी की है। एक हमारे के यहाँ जिस केस में फरारी चले आ रहे थे उसमें हत्या और 307 आंसेक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के धाराएं लगेंगे, ये इमली चौक के पास। और जमशेदपुर के एसडी सौरव कुमार सिन्हा ने पोर्ट का मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत चल रहे कार्यों की बीडीओ और सीओ के साथ बैठक कर समीक्षा की। इसके साथ ही साथ रैयत समन्वय समिति गठन हेतु ग्राम सभा जल्द से जल्द करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। वहीं एडीसी ने बताया कि सरकार किसानों को खेती करने के लिए 1 एकड़ में 5,000 रुपए दे रही है, ताकि किसान अच्छे से फसल की पैदावार कर सके। उन्होंने कहा यह सरकार की एक अच्छी योजना है। जो आशीर्वाद योजना है इसमें सभी कृषक को ये एक मुफ्त राशि मिलेगी, जो उनके जितने जो लैंड है उनका जमीन है 5 एकड़ अधिकतम है, और मिनिमम 5,000 से लेकर 25,000 तक इसमें मिलेगा जितने कृषक हैं। जो कृषि गन्ना का जो डाटा था 2015-16 का, उसी के आधार पर हम लोग पूरा सूची निकाल रहे हैं। इस संबंध में एक 15 से 22 तक का पीरियड है, जिसमें कि सब नोटिस का तामिला किया जा रहा है, और एक ग्राम सभा 21 तारीख को होगी, जिसमें रैयत समन्वय समिति बनेगी। उसका कार्य होगा कि जो भी कहीं पर आपत्ति आएगा या किसी तरह का इसमें आएगा, उसमें वो प्रशासन को मदद करेंगे। जमशेदपुर सावधान हो जाए, क्योंकि बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित कर ट्रैफिक पुलिस ने चालान उनके घर भेजने का काम शुरू कर दिया है। अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों के घर पर भी चालान भेजा जाएगा, और चालान नहीं जमा करने पर लोगों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।
अब बिना हेलमेट चलने वालों या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के घर ट्रैफिक पुलिस घर पर चालान भेजने का काम शुरू किया है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित कर उन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के घर चालान भेजा जा रहा है। हालांकि इस पहल को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुरू करवाया था, जिसकी सराहना शहरवासी और शहर की छात्राएं कर रहे हैं। सिटी एसपी की माने तो पिछले वर्ष 2018 में पर माह 35 लाख रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। पूरे शहर में 170 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन कैमरों से चिन्हित कर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले और बिना हेलमेट शहर में बाइक चलाने वालों के घर चालान भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फाइन जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अभी हम उसके बावजूद अभी 100% अभी जो ट्रैफिक नियम का अनुपालन करने में लोग सक्षम नहीं हुए हैं, तो उसके बाद अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि पूरे शहर में 170 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं उनका फ़ोटो कैप्चर करके उनके गाड़ी का नंबर लेकर के और उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे उनको चालान भेजा जाता है। तो प्रतिदिन इसमें देखा जा रहा है कि हम लोगों ने एक तारीख से शुरू किया है और एवरीडे एटलीस्ट 30-35, 30-35, 40 गाड़ी कैप्चर हो रही है वायलेट करते हुए और उनके घर पर भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया में बहुत लोग आ करके DTO ऑफिस में फाइन देते हैं और इसमें से भी अगर कुछ लोग नहीं देते हैं तो प्रोविज़न है कि उनको दोबारा रिमाइंडर किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर टर्न अप नहीं होते हैं तो उनका हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए DTO के यहाँ उनके ऑफिस में। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब ज्योतिष परामर्श केंद्र, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र।
गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आदि टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास आउट हुए छात्र छात्राएं जिनका प्लेसमेंट होने वाला है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रणिक हीलिंग संस्था की ओर से कार्यस्थल पर तनाव मुक्त कैसे रहें, इन समस्याओं की जानकारी दी गई। साथ ही अध्यात्म के माध्यम से होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि प्रीनिंग हीलिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हर घर में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। इनके उद्देश्यों के मद्देनजर आरडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पास आउट हुए छात्र छात्राओं के बीच तनाव मुक्त जीवन जीने के गुण सिखाए गए, ताकि जब ये बच्चे बाहर जाकर जॉब करें तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में तनाव मुक्त रहकर अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें। साथ ही अध्यात्म के माध्यम से आगे अपने जीवन में वो सब पा सके जो वो चाहते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी छात्र छात्राओं ने संस्था के द्वारा दिए गए जानकारियों को सुना और अपने जीवन में उसे उतारने का संकल्प लिया। इनको एनर्जी करके कुछ चीज़ है, ऊर्जा के थ्रू कैसे आप अपने एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे पढ़ाई और कंसंट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं जॉब्स में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता है मेडिटेशन में, कि आप इस चीज़ को अगर ब्लेस करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए दुगुना होने लगेगा। सो ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन इनको आज सिखाया जा रहा है, जिससे इनको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन कर सकेंगे। और सिंस ये मेडिटेशन लॉ ऑफ कर्मा पे आधारित है, तो आप लॉ ऑफ कर्मा स्टेट्स की आप जो भी देंगे वो आपको बहुत ही बार वापस मिलेगा। सो ये मेडिटेशन में सिर्फ ब्लेसिंग दिया जाता है, ये अगर 90 डेज बोला जाता है नॉन स्टॉप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस। और जेबीएम के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने दावा किया है कि गुरुवार को रांची में हुए महागठबंधन की बैठक में महागठबंधन के नेता तथा सीटों के बंटवारे के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभय सिंह ने बैठक में अपनी उपस्थिति रहने का हवाला देते हुए मीडिया को बताया कि गुरुवार को रांची में महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें महागठबंधन विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा दिल्ली की बैठक में दोनों मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा और उस बैठक के लिए मैं बधाई देता हूं कि महागठबंधन को लेकर सभी दल के लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें हमारे नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी और उनके साथ अधिकृत रूप से मैं भी उस बैठक में शामिल था। व्यापसी सहमति हो चुकी है, भाजपा के विरुद्ध एक मजबूत ताकत के साथ गठबंधन करके, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उस पर सभी मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन आज के अखबारों में जो एक विषय आया है, उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तथ्य को तोड़ और मरोड़ करके पेश किया गया है। झारखंड का के नेतृत्व में कौन नेता होगा यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी झारखंड विकास मोर्चा के अंदर में कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में बैठक होगी, उसके बाद में सहमति बनने के बाद ही इसको हम लोग अमली जामा देंगे। झारखंड के शहीदों की देश की आज़ादी से लेकर झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका रही है।
जिसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि राजधानी रांची में शहीदों का संग्रहालय बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में झारखंड के शहीदों के पराक्रम को दर्शाया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को झारखंड के शहीदों से प्रेरणा मिल सके। इसको लेकर पूरे झारखंड के सभी प्रखंडों से मिट्टी मंगाकर शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसको लेकर राजधानी रांची में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी के मद्देनजर सरायकेला खरसावां जिले के घमरिया प्रखंड में भी आज मिट्टी संग्रह कर जिला मुख्यालय भेजा गया है। वहां से राजधानी रांची के लिए मिट्टी भेजा जाएगा, जहां इस मिट्टी से शहीदों की प्रतिमाओं का निर्माण होगा। हेलो, ए वतन करते तुमको नमन, झुकने ना देंगे कभी। संग्रहालय में शहीदों की प्रतिमा स्थापित होगी, उसी के लिए झारखंड के सभी राजस्व ग्रहों से मिट्टी का संग्रहण करने का कार्यक्रम मेरा 9 से 11 तक चला था और आज प्रखंड स्तर पर सभी गांवों की मिट्टी का संग्रह करके कल हम लोग इसको जिला स्तर पर भर्ती करेंगे और फिर ये मिट्टी रांची जाएगी संग्रहालय में और वहां पर जो संग्रहालय बन रहा है वहां पर इनसे शहीदों की प्रतिमा का निर्माण और उसी कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तरीय मिट्टी संग्रह कार्यक्रम मेरा चला। रांची में मूर्ति का निर्माण होगा, रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम जो संग्रहालय बन रहा है वहां पर जैसे सब मिट्टी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित अति महत्वाकांक्षी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण योजना में कार्य कर रहे निजी एजेंसी द्वारा घटिया सामान लगाने का काम किया जा रहा है। 260 करोड़ की लागत वाली इस योजना में निजी एजेंसी ने घटिया निर्माण किया है, जिसकी जानकारी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित उर्फ बॉबी सिंह को होने पर इन्होंने विरोध जताते हुए सरकार से एजेंसी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। करोड़ों की ये योजना सापुरजी एंड पालमजी कंपनी को आवंटित की गई है। झारखंड सरकार की एजेंसी जिटको द्वारा टेंडर कर पूर्व में कार्य आवंटन कर दिया गया था। इस बीच निर्माण कार्य शुरू होने के बाद डिप्टी मेयर को स्थानीय वार्ड पार्षदों द्वारा लगातार कंपनी द्वारा कार्य को आउटसोर्स कर पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर दिए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके कुछ दिन पूर्व नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह ने प्रस्तावित योजना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटिया निर्माण की शिकायत पर मटेरियल को जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया है। हाँ, हम करेंगे। एक जुटको को चिट्ठी दे रहे हैं। हमारा नगर निगम में 260 करोड़ का प्रोजेक्ट था, एसटीपीएल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसे सापुर जी पालम जी को दिया गया था। सापुर जी पालम जी ने काम चालू कराया, कराने के बाद लगातार हमारे वार्ड पार्षदों से सूचना मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी कि काम का गुणवत्ता सही नहीं है, न सही मापदंड पे काम हो रहा है। इसलिए हम लोग एक जांच टीम गठित करके छापामारी किए गए, सामान जब्त किया गया। सामान जब्त करने के बाद उसको जांच के लिए हम लोग भेजे। और जमशेदपुर के कासिडी मैदान में मानव कल्याण के उद्देश्य से 7 दिवसीय भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को कलश यात्रा से हुई। पहली बार इसका आयोजन इस मैदान में किया जा रहा है। कलश यात्रा में 301 महिलाओं ने हिस्सा लिया। यज्ञ स्थल से ये महिलाएं मानगो नदी तट पर पहुंची और कलश में जल भोज कर वापस पैदल यात्रा करते हुए पूजन स्थल तक पहुंची। आयोजकों के अनुसार मानव और जल कल्याण के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन से आए कथावाचकों के द्वारा यहां श्रीमद् भागवत कथा का प्रसार किया जाएगा। लोगों ने जो है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, जो कि एक सप्ताह का है, जो कि 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक चलेगी और आज उसका कलश यात्रा है और कलश यात्रा में जो है कि 301 महिलाओं ने जो है कि इसमें भाग लिया। जन कल्याण के लिए ही किया गया है कि जन कल्याण जिस तरह से जो है कि पाप बढ़ रहा है और कलयुग में सबसे ज़्यादा जो है कि पाप की बढ़ोतरी होती है, इसलिए जो है कि हम लोगों ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, जो कि इसके कथा व्यास जो है वो श्री धाम वृंदावन से आ रहे हैं। साथ ही जमशेदपुर के टेलको स्थित सुमन मूल गांव का स्टेडियम में टाटा मोटर्स के द्वारा 42वीं वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया है।
जहां 3 दिनों तक 16 स्कूल एवं 7 विभिन्न कंपनियों के खिलाड़ी इसमें अपने खेल को प्रदर्शित करेंगे। ये सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को विभिन्न खेल के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ कुल 80 इवेंट रखे गए हैं। इस संबंध में आयोजक समिति का कहना है कि इस एथलेटिक मीट के माध्यम से कंपनी अपने कर्मचारियों एवं विभिन्न स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करती है, जहां से कई प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य एवं देश का नेतृत्व कर चुके हैं। वहीं इस वर्ष 3 दिनों तक आयोजित होने वाले एथलेटिक मीट में 1000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, जिन्हें कंपनी द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये टाटा मोटर्स का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर साल एनुअल एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज करता है, जो कि सिर्फ टाटा मोटर्स का के एम्प्लाई के लिए नहीं, वरन उसके साथ साथ कमिंस है, हमारे टेको है, टोटल 7 टीम रहता है इसमें। और 72nd एनुअल एथलेटिक्स है टाटा मोटर्स का। साथ ही साथ हम लोग जो अपने शिक्षा प्रसार केंद्र के तहत आने वाले 16 स्कूल हैं उनके लिए भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। वो 42nd एनुअल एथलेटिक्स स्कूल का है और 72nd एनुअल एथलेटिक्स टाटा मोटर्स का। वहीं जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की तर्ज पर पौधारोपण कार्यक्रम कर शहर को नंबर 1 बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। धतकेड़ी स्थित रेडियो मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक सह स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर पप्पू सरदार ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर को नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं कॉरपोरेट जगत के लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये प्रयास है कि शहर को नंबर 1 के पायदान पर पहुँचाया जा सके। यहाँ धतकड़ी में पेड़ लगाए हैं रेडियो मैदान के पास में, और छायानगर में पेड़ लगाने हैं, और 2-4 जगह पेड़ लगाने हैं। इसकी अनुमति हमें पदाधिकारी जो हैं जेएनएससी के, उन्होंने दी है, कृष्ण कुमार जी ने पेड़ लगाने का जिम्मेदारी दी हुई है। और पेड़ लगाना शहर में बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे होंगे टावर की वजह से पशु पंछी तो कम हो गए, कम से कम जो बचे खुचे पशु पंछी है वो पेड़ों पर बैठेंगे, छाव रहेगी पेड़ों की, तो एक खुशहाली रहती है पेड़ लगाने से भी। और बाकी कुछ शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ों की देख रेख करे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी न्यूज़। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना,
मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166, प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। और डुमरिया प्रखंड के धोलाबेड़ा ग्राम पंचायत के कांटा टोला और बारेडी के बीच जय नदी पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा वृहत डैम निर्माण को स्थगित करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल जेएमएम के जिला अध्यक्ष सागेन पूर्ति के नेतृत्व में डीसी से भेंट कर मांग पत्र सौंपा गया। इधर सागेन पूर्ति ने बताया कि बगैर ग्राम सभा को सूचित किए डैम निर्माण कार्य के लिए पिछले 1 साल से सर्वे चल रहा है, जो अनैतिक है। उन्होंने कहा वृहद डैम निर्माण से 14 मौजे के ग्रामीणों के विस्थापित होने की संभावना है। इसीलिए जो है हम लोग रसद में है और बिगर ग्राम सभा, बिगर जानकारी, इसीलिए जिसका खेती है उसको डर सता रहा है कि भाई विस्थापन के बदले में आज तक हम लोग देखते हुए आए कि आज हम लोग डुमरिया प्रखंड अंतर्गत धोलाबेड़ा में जो वृहद डैम का निर्माण हो रहा है, वहाँ ना कि ग्रामीण को पता है, ना ग्राम सभा को पता है, ना जिसका खेत जारी है उनको पता है। इसीलिए वहाँ के ग्रामीण भयभीत में है और इसलिए हम लोग डीसी महोदय से मांग करने आए हैं कि वहाँ पर डैम का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका ज़मीन है उनको थोड़ा भी जानकारी नहीं है क्या बन रहा है, कितना में बनेगा, किसकी ज़मीन जाएगी, इस पर किसी तरह का वहाँ पर चिन्हित नहीं किया गया। इसीलिए ग्रामीण लोग भयभीत है, कहे कि हम लोग देखते हुए आए हैं चांडिल का, मेथन का, बांसजोर का, जितना भी विस्थापित हो आज तक उसको पुनर्वास नहीं हुआ है, आज तक उनको पैसा नहीं मिला गया है, इसीलिए आज वहाँ के लोग डरे हैं। और हम लोग डीसी महोदय से आग्रह करने आए हैं कि वहाँ पर विस्थापन ना हो और वहाँ पर बड़ा डैम निर्माण नहीं हो। और हिंदू एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से भेंट कर बर्मा माइंस कांड के दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हिंदू एकता मंच के नेता डीडी त्रिपाठी के नेतृत्व में डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा गया। इधर डीडी त्रिपाठी ने बताया ज्ञापन में बर्मा माइंस कांड में दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं युद्ध स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर करने की मांग की गई है। बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हिंदू मुस्लिम एकता पर खतरे बांग्लादेशी रोहिंग्या का देश से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हिंदू एकता मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता मोर्चा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हिंदू एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के। शहर में विगत दिनों आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक सौहार्द पर एक ग्रहण लगा था बर्मा माइंस में, और इसके पीछे ऐसे तत्व तो काम कर रहे हैं जो कम से कम भारतीय मूल के नहीं हैं। इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो खास करके अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान के बीच में आज सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गए हैं।
और जमशेदपुर में खास करके ऐसी घटनाओं के पीछे ऐसे तत्वों का, चाहे वो चोरी हो, छिनतई हो, वैसे में इनका कहीं ना कहीं हाथ आज पाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से बिष्टुपुर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान आम लोगों को कांग्रेस की नीति और मोदी सरकार की विफलताओं के संबंध में बताया गया। इधर पार्टी नेता फिरोज खान ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। लोगों को मदद किया है, ये पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी गरीब के हक और हकूक में लगेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमको लगता है की आज देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सब जगह हम लोग सरकार बनी है और आप लोगों का मेहनत रहेगा तो बहुत अच्छा हम लोग काम होगा आगे। प्रखंड के अध्यक्ष ताहिर खान और भुट्टो भाई के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया और जो यहाँ 32 बूथ है उसका उनको इंचार्ज बनाया गया और 32 जनसंपर्क अभियान का रसीद दिया गया है। जनसंपर्क अभियान के तहत उसमें सहयोग और सपोर्ट 32 बूथ पर जा करके घर घर जाके हम लोग सहयोग और सपोर्ट लेंगे और पब्लिक से कहेंगे, दोस्त से कहेंगे, भाई से कहेंगे, परिवार से कहेंगे कि 100 रुपया, 500, 1000 का इसमें कूपन है, आप लोग सब सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी को वोट से सपोर्ट करें। साथ ही न्यू सीताराम डेरा स्थित जेवीएम महानगर कमेटी कार्यालय के पार्टी जिला बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष का चयन किया गया। बैठक में जेवीएम केंद्रीय बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जटा शंकर पांडे, जेवीएम के महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में मनोज कुमार शर्मा को पार्टी बुद्धिजीवी मंच का जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस संबंध में बबुआ सिंह ने जानकारी दी। इनको बनाया गया ना जी। बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जटा शंकर पांडे जी यहाँ उपस्थित है और इनके निर्देश पर और इनके अनुसार जेवीएम बुद्धिजीवी मंच के संगठन को काफी मजबूत बनाना है और भी धारदार बनाना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज यह संगठन हित पर निर्णय लेते हुए नवीन मुर्मू जी के पद को जिलाध्यक्ष पद पर थे उनको पदोन्नति करते हुए केंद्रीय प्रवक्ता बुद्धिजीवी मंच का आज हम लोगों ने मनोनयन किया और दूसरे तरफ जिला अध्यक्ष बुद्धिजीवी मंच के रूप में हम लोगों ने मनोज शर्मा के नाम का घोषणा किया और उपाध्यक्ष जो हमारे हैं आलोक कुमार जी को जिला का उपाध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने घोषणा किया है। और मौलाना अंसार खान को कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बज़्मे शहीदाने करबला कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। मौलाना अंसार खान को कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित उनके आवास पर जाकर बज़्मे शहीदाने करबला कमेटी बगानशाही के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इधर करबला कमेटी के सचिव मोहम्मद नदीम अख्तर ने बताया, मौलाना अंसार खान के प्रयास से बस्ती में सड़क नाली का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं मौलाना अंसार खान ने बताया भविष्य में भी जन समस्याओं का समाधान करने का उनका प्रयास जारी रहेगा। देखिए हम लोगों को जब पता चला कि मौलाना अंसार साहब को मानगो क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है तो उपाध्यक्ष बनाया गया तो हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुआ। तो हम लोगों ने अपने तमाम वर्कर के साथ बज़्मे शहीदान करबला कमेटी के मेम्बरान के साथ हम लोगों ने मौलाना अंसार साहब के घर पर आया उनको मुबारकबाद देने के लिए और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो ओहदा मिला है तो उसके साथ ही हमारे बगान साहिब में विकास का काम भी हो। देखिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहूँगा और किया मैंने अल्लाह का, अल्लाह का लाला शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और इसके बाद हमारे जो सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष विजय खान हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर कमलेश सर हैं, उन्होंने मेरे एक मेहनत को देखते हुए एक कांग्रेस पार्टी में
महासचिव से लेकर आज महा उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं उनका बहुत बहुत तहे से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इधर तमाम बस्ती वाले उनको जब मालूम चला हमारे करबला के मीटिंग के ये तमाम लोग आए हुए हैं, कोई 13 नंबर से, कोई 14 नंबर से, कोई बगान शाही से भी लोग आए हुए हैं और इन्होंने फूला माया माला पहनाकर मुझे सम्मानित किया है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इस बस्ती के लिए और बल्कि इस ज़िले के लिए जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगा, इंशाअल्लाह तआला मैं काम करूँगा। दूसरी ओर घोड़ा बांधा के रहने वाले जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई है। बता दें कि मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में ले रखा है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के शमशेर अपार्टमेंट के रहने वाले तपन दास की हत्या अपराध कर्मियों ने करके उनका शव MGM थाना अंतर्गत बड़ा बाकी के पास सड़क किनारे फेंक दिया था। बता दें कि शव के गले पर चाकू से रेतने के निशान मिले हैं और सर पर भी काफी चोटें हैं। वहीं MGM पुलिस ने शव अपने कब्जे में ले लिया है। इधर पुलिस ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में ले रखा है। दूसरी तरफ मृतक के भाई सपन कुमार दास ने घटना के संबंध में जानकारी दी। वहीं पटमदा DSP विजय महतो ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही हत्या के कारणों और हथियारों का खुलासा किया जाएगा। कैसे क्या जानकारी मिला आप लोगों को? मामला तो मैं गोविंदपुर में रहता हूँ ना, मेरे को उतना मालूम नहीं है, जितना हम सुने हैं उतने बता रहे हैं। ठीक है, मैं तो गोविंदपुर रहता हूँ, मेरा भाई टेलको में रहता है घोड़ा बंदा में। ठीक है, जितना मैं सुना हूँ रात को 9 बजे लाजा चौक से किसी के साथ कहीं गया, कोई गुड्डू नाम का लड़का था। इसके बाद उसका मिसेज एक घंटा या आधा घंटा बाद फोन में बात करने की कोशिश की, कहाँ है बोल के। एक दिन होने के बाद फोन मोबाइल अपना बंद हो चुका है। उसके बाद जो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं लिंक करने का, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद कुछ आता पता नहीं चला। अपने प्यार से हम लोग एक दो दिन जहाँ जहाँ रिश्तेदार कुटुंब बंधु जो भी है हम लोग इधर से प्रयास कीजिए उसको खोजने का। जब कहीं कुछ खोज खबर नहीं मिला तब जाके हम लोग टेलको थाना में जाकर उसका गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाए। घोड़ा बंदा शमशेर, क्या है पूरा मामला? पुलिस को एक सूचना मिली कि एक हुरलुंग एरिया में डेड बॉडी है, तो पुलिस उसकी कार्रवाई करने के लिए पहुंची। तो पहले तो हम लोग को सूचना मिली, उसके आधार पर अज्ञात था, पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच एक लड़का फोटो दिखाया व्हाट्सएप में, बताया कि सर इसके साथ मैच कर रहा है। तो फिर उसी के आधार पर घर में फ़ोन किया गया, जो व्हाट्सएप से नंबर मिला, तो बात हुआ, तो बोला हाँ एक मिसिंग है, एक लड़का, एक आदमी जो घोड़ाबंधा शमशेर टावर का रहने वाला है। तो उन लोगों से जब पहचान कराई गई तो पता चला कि ये तपन दास नामक व्यक्ति की डेड बॉडी है। और जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा टुसू मेले के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया गया, जहां विभिन्न गुटों में बटे कांग्रेसी नेता चुनाव आते ही एक मंच पर नजर आ रहे थे। वहीं पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने टाइगर जिंदा है के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। भुइयांडी स्थित झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच के द्वारा आयोजित टुसू मेले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं दुलाल भुइयां सहित कई कांग्रेसी नेता एक मंच पर नजर आए। वहीं इस टुसू मेले में झारखंड की संस्कृति को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी, जहां प्रतियोगिता में आए लोगों को मुख्य अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां मांदर की थाप पर टुसू गीतों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे थे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले कई वर्षों से झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच के द्वारा अपनी संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है, जो काफी सराहनीय है। अरे कांग्रेस पार्टी ऐसे चेसो रे और पिठा मुड़ी बोनवे मौको रे। और 2019 हमारा बलदेव बाबू बोल रहे हैं 2019 हम लोगों के लिए बहुत शुभ है। सही, बलदेव बाबू ने कहा कि 2019 हमारा बहुत शुभ है और हम लोग सब मिलकर इस झारखंड की जो पहचान है, प्रेम और संस्कृति की पहचान है, तो
कला की पहचान है। और यहाँ तक कि जंगल में जो हमारा झिंगूर बोलता है तो झिंगूर भी जब बोलता है तो भी संगीत निकलता है। साथ ही जमशेदपुर के विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त की है, जहाँ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा माला पहनाकर पार्टी में इनका स्वागत किया गया। कदमा स्थित रामनगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों को पार्टी में शामिल किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे, जहां मुख्य अतिथि ने सभी का स्वागत माला पहनाकर किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि चुनावी वर्ष में युवाओं की आस्था कांग्रेस पर नजर आ रही है, जिसका लाभ हमें प्राप्त होगा। वही वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार से परेशान होकर लोग अब सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। जहां पूरे देश में लोगों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होकर मिशन 19 में पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। और वही काम को आगे जितना और फिर से विकास का एक नई धारा चालू करना है। पूरा इनका विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब सड़क का इनके द्वारा चौड़ीकरण किया गया तो विकास के मार्ग इतने तेज तीव्र गति से, के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने सामाजिक दायित्वों के साथ, जब वो अपने सामाजिक दायित्वों के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं तो उनको ये जरूर एहसास हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये सरकार सामाजिक दायित्वों के प्रति कहीं पर भी खरा नहीं उतर रही है। और यही कारण है कि आज युवा शक्ति की सारी टीम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के एक्सेलराई में संदिग्ध अवस्था में एक छात्र की मौत, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। आदित्यपुर आरआईटी में भाभी से छेड़खानी करने वाले को ग्रामीणों ने फेंका दुमानी पुल से, एमजीएम में चल रहा इलाज। चौका में टूसू मेले से बाइक चोरी करते तीन को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। और जमशेदपुर के पुराने कोर्ट मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलटा हाईवा, कोई हाथाहाथ नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहे सिर्फ न्यूज़। नमस्कार।